गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 2.2 में स्टूडेंट हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकालना सीखा था। स्टूडेंट अब हम सीखने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एल्जेब्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं, और जिसमें इसके इसकी फर्स्ट सब कैटेगरी स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ने वाले हैं। सेकंड एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ेंगे स्टूडेंट। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 3.5 में पढ़ेंगे स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं स्टूडेंट। देखिए वन का फर्स्ट पार्ट हम लेंगे। क्या करना है स्टूडेंट हमें, एक्सरसाइज 3.3 और सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारे सामने, हमें सॉल्व करने से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या स्टूडेंट, किसी एक इक्वेशन को स्टूडेंट हम या तो x इन द टर्म ऑफ y रिप्रेजेंट कर लेंगे, या तो y इन द टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर लेंगे, और फिर वहां से x या y का वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉल्विंग मेथड अभी आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट। फ्रॉम इक्वेशन 1 From equation 1, x plus y equal to 14 है ना स्टूडेंट, तो x इधर ले जाइए, y equal to 14 minus x। ये आपने y in the term of x represent कर लिया, इसे कर क्या कर लीजिएगा, put in equation 2 में रख लीजिए x। ध्यान रहे स्टूडेंट साइन अगर नेगेटिव है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। y का वैल्यू आप रखने वाले हैं 14 माइनस एक्स स्टूडेंट आपने रख दिया, फॉर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4। देखिएगा स्टूडेंट प्लस 1x और प्लस 1x, ये हो गए 2x और 2x। 14 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाओगे स्टूडेंट तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 18 और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, x 18 बाय 2 x इक्वल टू 9। जो x का वैल्यू आया स्टूडेंट आप उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं स्टूडेंट हम 9 प्लस y इक्वल टू 14, और स्टूडेंट 9 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाओगे तो y इक्वल टू 14 माइनस 9, y इक्वल टू कितने स्टूडेंट 5 बचे, सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का 9 5। ओके स्टूडेंट अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन s माइनस t इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या करिए स्टूडेंट, t को इधर ले जाइए ट्रांसफर करें, s इक्वल टू 3 प्लस टी, और ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए स्टूडेंट 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो एस की जगह रखेंगे स्टूडेंट आप 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट 6 आ गया, 2 3 प्लस टी प्लस 3 टी इक्वल टू 6। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 3 जस 6 प्लस 2 टी 3 टी बाय 6 इक्वल टू 6।
इसे 6 को इधर ले जाएंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो 6 प्लस 2 और 3 5t हो गए स्टूडेंट ये, और 6 6 36, 6 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाइए स्टूडेंट, जिसका भी ट्रांसपोज करेंगे आप उसका साइन चेंज हो जाता है स्टूडेंट, ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 36 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट आप, तो ये बचेगा 30, एंड t इक्वल टू 30/5, टी इक्वल टू 5 6 30, तो स्टूडेंट t का वैल्यू आया आपका 6। अब ये वैल्यू स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, पुट इक्वेशन 1, ये वैल्यू जो है t इक्वल टू 6, इसे क्या रख रहे हो आप स्टूडेंट, पुट इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट 1 ही क्यों हमने पुट करने के लिए चूज किया, तो स्टूडेंट उसके लिए आप देख सकते हैं, देखिए इसमें इसके s का कोफिशेंट 1/3 है, t का कोफिशेंट 1/2 है, ये 6 यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट जब आप वैल्यू रखें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करनी है जहाँ आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े स्टूडेंट। तो t का वैल्यू रख तो दोनों में सकते हैं स्टूडेंट, 1 में भी 2 में भी, बट आप रखेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा s माइनस 6 इक्वल टू 3, और 6 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो 3 प्लस 6 s इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 9। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2 इज ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे स्टूडेंट, n 9 एंड 6। ओके स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4th। तो स्टूडेंट आप यहाँ से किसी एक का वैल्यू आप ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इसे इधर ले जा रहा हूँ स्टूडेंट, तो 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x, और ये चला जाएगा स्टूडेंट डिवाइड में y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3। पुट इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू कहाँ रखने जा रहे हैं स्टूडेंट आप, y का जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखने जा रहे हो, 0.4x प्लस 0.5 y की जगह रखने वाले हो स्टूडेंट, 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3 इक्वल टू 2.3। एलसीएम यहाँ ले लेंगे स्टूडेंट आप, 0.3 आपका एलसीएम आ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, ये 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0.12 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 65, और 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यहाँ करेंगे 5 2 10 माइनस यहाँ पॉइंट आपको लगाना है 0.1x इक्वल टू 2.3। सेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बचेगा 0.12, ये क्या है दोनों कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, तो ऐड कर लीजिए 5 2 7 6 1 7.77, और ये है स्टूडेंट माइनस 0.1 0.10x इक्वल टू 2.3 इंटू 0.3, मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट 0.77 माइनस 0.10x इक्वल टू 3 3 9, 3 2 6, ये हो गया स्टूडेंट, तो ये उधर ले जाओगे स्टूडेंट आप, तो क्या बचेगा 0.10 x इक्वल टू 0.69 माइनस 0.77 माइनस 0.10x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा, और 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ये नेगेटिव स्टूडेंट, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, x 0.08 बाय 0.10, ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये लाइक डेसिमल है, पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आपका x आ जाएगा 8, पुट इन इक्वेशन 1, और ये वैल्यू कहाँ रख लीजिए स्टूडेंट, आप 1 में रख लीजिए, x का वैल्यू 8, तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू 8 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 8 to 16, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1.6, 0.3y इक्वल टू 1.3, इसे उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 0.3y 1.3 माइनस 1.6, तो कितना बचेगा स्टूडेंट 0.3y इक्वल टू, यहाँ आप सबट्रैक्ट करेंगे, ये 6 है स्टूडेंट, तो यहाँ बचेगा माइनस 0.3, तो ये उधर ले जाइए स्टूडेंट, वाई इक्वल टू 0. माइनस 0.3 बाय 0.3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया स्टूडेंट, ये आपका वाई इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे स्टूडेंट, लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू, 8 1 इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट हो जाएगा 8 1। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, ये यहाँ मैंने लिख दिया था स्टूडेंट प्लस 1, बट आएगा यहाँ माइनस 1, माइनस 1 आएगा स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 8 एंड माइनस 1। सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 8 एंड माइनस 1। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5th। तो यहाँ से स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इसका इसे आप ट्रांसपोज करके उधर लीजिए, √3x इक्वल टू √8y, x इक्वल टू √8 बाय √3y, पुट इन इक्वेशन 1। 1 में रखने जा रहे हो स्टूडेंट आप x का वैल्यू √2 इंटू एक्स की जगह रखना है √8 बाय √3y प्लस √3y ऑलरेडी है स्टूडेंट 0, तो स्टूडेंट या 1 लेके आप इसे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 to 16, √16y, √3 आपका एलसीएम होगा प्लस 3y, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना स्टूडेंट आपको, तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4y प्लस 3y 0 इंटू √13 √3, 1 लेके स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया स्टूडेंट 4y और 3y 7y, और ये हो जाएगा आपका 0, और इसके जो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट उधर डिवाइड में जाएगा तो 0/7 y इक्वल टू हो जाएगा आपका स्टूडेंट 0। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आप कहाँ रखिएगा, इक्वेशन 2 में रख लीजिए, पुट इन इक्वेशन 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा √3x माइनस √8 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये तो स्टैंड मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/√3, तो x का वैल्यू हो जाएगा स्टैंड 0, x का वैल्यू 0, और लिख देंगे आप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू कितना 0 और वाई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 0, वाई का वैल्यू भी 0 और एक्स का वैल्यू भी 0, तो ऐसे लिख देंगे 0 0। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, तो आपको किसी एक इक्वेशन से या तो x को इन द टर्म ऑफ y रिप्रेजेंट कर लेना या तो y इन द टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर लेना है। तो स्टूडेंट 1 में भी हम ये वर्क कर सकते हैं, बट यहाँ कोएफिशिएंट ज़्यादा हैं तो इसे
तो चेंज करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो स्टेंट हम इसे कर ले रहे हैं। देखिएगा x बाय थ्री इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन टू, ये उधर लेंगे स्टेंट हम x बाय थ्री, इसका ट्रांसपोज कर लिया तो 13/6 माइनस वाई बाय टू, और स्टेंट ये जो इधर डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स इक्वल टू 13 × 3/6 माइनस 3y/2, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा स्टेंट। ये एक्स इक्वल टू 13/2 माइनस 3y/2, तो इसे ऐसे रहने देंगे स्टेंट। पुट इन इक्वेशन नंबर वन, पुट इन या सॉल्व कर लो क्योंकि वहाँ भी फ्रैक्शन है ऑलरेडी। ये 2 13 माइनस 3y, पुट इन इक्वेशन वन में रखने जा रहे हैं स्टूडेंट हम ये वैल्यू जो कि x का है 3, और x की जगह रखना है स्टूडेंट 13 − 3y/2, और ऑलरेडी डिवाइड में 2 है, माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस 2। तो स्टूडेंट यहाँ वन ले लेंगे, ये फोर्थ टर्म ऊपर जाता है और ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। इस तरह से अगर हो आपके पास a अपॉन b c अपॉन d, तो ये जो फोर्थ टर्म है ये ऊपर चला जाएगा और ये मिडिल टर्म थर्ड टर्म मिडिल टर्म के पास, तो ऐसे कर लेंगे स्टूडेंट। ये वन ऊपर चला जाएगा, ये टू नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 13 − 3y/4 − 5y/3 इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से एलसीएम हम ले लेंगे स्टूडेंट, एलसीएम कितना आ गया इसका 12, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा स्टूडेंट, 3 3 9, और 9 का मल्टीप्लाई में हम चलो पहले 9 यहाँ कर लो, 13 − 3y और 4 5 20y इक्वल टू माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये तो हो जाएगा इधर −2 × 12, और इधर क्या होगा स्टूडेंट 13 9 9 27y − 20y। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 117 को उधर ले जाइए, 27 और 20 ये हो गया स्टूडेंट आपका 47 −47y इक्वल टू −24 और −117 −47y, ये कितना हो गया स्टूडेंट 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1, देख लीजिए स्टूडेंट दोबारा से 7 4 11 1 2 3 और 1 4। ओके स्टूडेंट, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा वाई −141/−47, माइनस से सो माइनस कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। देखिए क्या इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 21 3 4 12। ओके स्टूडेंट, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, वाई इक्वल टू 3। तो ये जो वाई का वैल्यू आया स्टूडेंट, ये आप इक्वेशन बेटर यही रखना बेटर रहेगा स्टूडेंट टू में। पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन स्टूडेंट y इक्वल टू 3 रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं स्टूडेंट, रखिए 2 में x बाई 3 प्लस 3/2 इक्वल टू 13/6। तो स्टूडेंट ये वाला वैल्यू ट्रांसपोज करके इधर ले जाओगे आप, तो ये हो जाएगा x बाई 3 13/6 माइनस 3/2। यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा x बाई 3 इक्वल टू आपका एलसीएम आ गया स्टूडेंट 6, क्योंकि 6 है स्टूडेंट, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रहेगा, तो 13 तो जो का तो रखेंगे आप, माइनस 2 3 6 3 है तो यहाँ 9 कर लेंगे स्टूडेंट, x बाई 3 इक्वल टू 13 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना 4 बचेगा स्टूडेंट, 4/6 और 3 2 6 2 से इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो x इक्वल टू स्टूडेंट 2 2 4 2 आ गया स्टूडेंट। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन
इक्वेशंस इज ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रखेंगे स्टूडेंट, पहले एक्स का वैल्यू, फिर वाई का 2 और वाई का वैल्यू 3। स्टूडेंट आप आंसर, आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं यहाँ रख के। आइए स्टूडेंट चेक करते हैं, अगर ये जो आपका सॉल्यूशन है इसने सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन है। तो हमने LHS लिया स्टूडेंट, और LHS में x का वैल्यू रखना है 2/3 और y का वैल्यू रखना 3/2 हो गया स्टूडेंट। ये LCM 6, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 13/6 ये RHS के इक्वल है स्टूडेंट। तो हमारा आंसर सही है, इससे तो मैं स्टूडेंट रब कर दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।